साक्षी पठानिया और वेलकम टू द चैनल काउच पोटैटो। आज मैं जा रही हूँ जोत, ये पड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में। बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पे बर्फ शायद पड़ी हो, जाके पता चलेगा। मेरे घर से ये है 60 किलोमीटर्स, तो बस अभी निकल रहे हैं, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। और आप लोग मेरे साथ में व्यू इंजॉय करना, बहुत ही प्यारी जगह है, तो लेट्स गो। इधर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो हमारी कार है वो यहाँ बंद हो गई सड़क पे चलती चलती, अभी उसी पर देख रहे हैं कि क्या करना है। तो लेट्स सी, फाइनली गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अब आगे कोई एजेंसी में दिखा के फिर एक बार श्योर होके कि आगे ले जा सकते हैं कि नहीं उसके बाद आगे जाएंगे, नहीं तो फिर रिटर्न वापस जाएंगे। बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हुआ है, देखो मेरे पीछे बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, काफी मजा आ रहा है। नेहा कैसा लग रहा है तेरी इच्छा पूरी होगी कि बर्फ देखनी, ठंड तो चल रही है पर बर्फ देख के मजा आ गया। पूरा यहाँ पे पूरा इट्स फुल्ली कवर्ड विद स्नो। हाय, हम जोत में पहुंच गए हैं जो कि ठंड बहुत है, ऊपर पिंडे चा गरमा गरम खाना खाते हैं। चाय की रोंदी क्या है उधर लेनी पैक करो क्राई कहां से सुगबल आया है।
Yes. कैमरा मैन तो गाइस ये जो पीछे आप बिल्डिंग बिल्डिंग का नहीं पर जो हट देख रहे हैं ये वो गदर पिक्चर का शूटिंग पॉइंट है। यहाँ पे गदर पिक्चर हुई थी जो कि सनी देओल की वाइफ थी तो उसके जहाँ पे गहने चोरी हुए थे ये वो वाला घर है। चोरी नहीं छीने गए थे छीने गए थे हाँ चोरी तो नहीं हुए थे जबरदस्ती लिए गए थे। यहाँ पे टिकट मिलती है 20 रुपए की गहने देखने की। जो कि इनका सफर पूरा हो चुका है जोत का। इनका एक ड्रीम था, इनका ड्रीम था कि हम जोत में जाएं और वीडियो शूट करें, अच्छी अच्छी बर्फ देखें जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से देखी है उन्होंने। और अब हम जा रहे हैं खजियार, अभी खजियार के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए हमारे सभी लोग, ये है हमारे विजय भाई साहब, ये नेहा जी अपना डोगी साथ लाए हैं और पिंकू शर्मा का सांस बहुत फूल रहा है। ओके अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में खजियार में। तो गाइस हम लोग यहां से अब जा रहे हैं खजियार जो कि है 18 किलोमीटर दूर और वहां से फिर एक दूसरी रोड निकलती है वो लेके हम सीधा घर चले जाएंगे। एंड यहां पे बहुत मजा आया, अभी बहुत सारी स्नोफॉल हो रखी है तो मुझे लग रहा है लास्ट वीक फ्रेश स्नोफॉल हुई है क्योंकि ऊपर की जो स्नो है वो एकदम साफ है। अगर आप लोगों को आना है आप लोग फरवरी में प्लान कर सकते हो यहाँ पे ट्रिप, बिकॉज यहाँ पे इतनी बर्फ भी नहीं है कि कुछ रोड वगैरह ब्लॉक हो, इसलिए आप लोग फेब में आ सकते हैं। तो बर्फी कहाँ मिलनी भी ले फिर तो ये बिल्लू बोल रहा है यहाँ बहुत अच्छी बर्फी मिलती है। कौन सी बर्फी बिल्ले? जोत स्पेशल खोआ बर्फी। भैया क्या स्पेशल है खोआ बर्फी? स्पेशल ये जोत वाली है ना। कितने का ये डब्बा सही बताना? बिल्ले ठीक रेट लगाया हां। तो आप लोग यहां आना, ये खोए की बर्फी इन भैया से जरूर लेना। प्योर ठीक है, बाय भैया। देयर इज नथिंग लाइक फीलिंग यंग एंड फ्री, gonna leave it all behind. Time goes by so fast. Time goes by so fast. तो गाइज हम जो आए थे वो दूसरी सड़क थी, जोत तक तो हम पहुंच गए, उसमें कोई बर्फ नहीं थी, मतलब रास्ते में कोई बर्फ नहीं थी। अब हम जोत से चले चंबा, तो ये जोत से आगे सड़क जा रही है नीचे को चंबा की साइड, बट यहाँ पे पूरा बर्फ से भरा हुआ है, इवन रोड पे भी बर्फ है तो इट्स मतलब थोड़ा डेंजरस है। तो बेटर है आप लोग जो चंबा से जो जोत को रोड आती है वो अवॉइड करना फेब में, बिकॉज हाँ यहाँ पे पूरी रोड पे भी अभी तक बर्फ गिरी हुई है। खजियार तो हम पहुंच जाते हैं मगर वहां से जिस रोड से हमने घर जाना था वो ब्लॉक थी, तो हमको वापस ये जोत से होते हुए घर जाना पड़ता और उसमें ये रिस्क था कि अगर यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए तो हम लोग इस रोड पे भी फंस जाएंगे और जो दूसरा रोड है वो तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो हमने डिसाइड किया कि वापस जाते हैं, क्यों फालतू का रिस्क लेना, इट्स बेटर टू गो होम। तो बस अब वापस जा रहे हैं, 2 घंटे में हम लोग वापस पहुंच जाएंगे।
बैक होम। बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा ट्रिप था आज का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।